नमस्कार, मैं शेखर और आप देख रहे हैं बिहारी कलम। मेरी आवाज़ आपकी ताकत। अभी मैं बिहार के राजधानी पटना में हूँ और पटना के एक कलेक्ट्रेट है, मेन गेट, कलेक्ट्रेट का मेन गेट है। और यही बिहार की राजधानी पटना में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। तमाम पदाधिकारी यही बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं और एक कलेक्ट्रेट का मेन गेट है। इस गेट से कितने पदाधिकारी लोग गुजरते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। और इसी गेट के सामने देखिए, वो कलेक्ट्रेट का मेन बिल्डिंग है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस गेट के पास, इस रास्ते पे कितने कचरा है, कचरा को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और नगर निगम का कोई इस कचरे पर ध्यान नहीं है कि इसको क्या किया जाएगा। नगर निगम, बिहार के नगर निगम इतना भ्रष्ट हो चुका है, केवल लूट ही लूट है। बरसात के मौसम आता है, बरसात के मौसम में पूरे पटना का नाला कचरा से भर जाता है और भर भर छाती पानी से लोगों को गुजरना पड़ता है और समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, बिहार में एक कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट का मेन गेट है, और देखिए किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। और इस कचरा पर कोई नगर निगम का ध्यान नहीं है कि इसको किस तरह से सफाया किया जाए, लोगों को समस्या हो, उस समस्या से हमको जो सामना लोगों का करना पड़ रहा है, उस सामना से कैसे समाधान हो। कचरा समझिए कि कचरा इतना है कि मतलब इससे प्रदूषित होकर रोग का बहुत सारा यह हो सकता है, उसको सामना लोगों का करना पड़ रहा है, उस सामना का समाधान कौन करेगा। कोई इस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं है। नगर निगम का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको कचरा को साफ किया जाए, और साफ करने के बाद कोई साफ करने वाला नहीं है, केवल लूट ही लूट है। बरसात के मौसम में वैसे ही होता है, केवल लूट होता है। बरसात के मौसम में पूरा नाला भर जाता है, भर भर छाती पानी हो जाता है, लोग का समस्या का सामना करना पड़ता है। और अभी कलेक्टर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा आप कचरा को यहाँ से लेकर वहाँ तक दिखाएं कि किस तरह से मेन गेट के सामने कितना दूर तक कचरा पड़ा हुआ है, और इसी रास्ते से कितने पदाधिकारी लोग कलेक्ट्रेट में जाते हैं। और यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं, मतलब 200 मीटर की दूरी पर वो मेन बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के बगल में 100-200 मीटर की दूरी पर कचरा है। कितनी गंदगी है, कितनी बदबू वहाँ जाती होगी, इसका सामना नहीं कर सकते, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। केवल बिहार में लूट ही लूट है, सिस्टम ही समझिए कि एकदम भ्रष्ट हो चुका है, और भ्रष्ट सिस्टम के लोग शिकार हैं, उसका लोग सामना बिहार के जनता जनमानस का करना पड़ रहा है। और नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है कि इसको कैसे सफाया किया जाए, लोग जो कचरा के गंदगी से जो सामना कर रहे हैं, समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोग, ऐसे समाधान होगा कौन करेगा, कोई इस पर ध्यान नहीं है। देखिए, मैं हमेशा बिहार के भ्रष्ट सिस्टम और बिहार के जो भी लोगों का समस्या, बिहार के जनता जनमानस को जो भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और यही बिहार का नगर निगम है, पटना का नगर निगम है। देखिए किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, और कलेक्ट्रेट का मैं मेन गेट पे हूँ, यहाँ से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग है, और इसे कितने पदाधिकारी लोग जाते हैं और किसी का ध्यान इस पर आकर्षित नहीं होता है। और बिहार के नगर निगम खाली लूट ही लूट है। आप लगातार बने रहें चैनल पे। बिहारी कलम देखने वाले सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।